धर्म चले, कभी पढ़े हो छठो सतमार में अठमो में होगा बोध, अठमो वर्ण में रहता है, नहीं पढ़ी हो हिंदीओ में होगा, नहीं पढ़ी हो, चलो है देखो अभी बता रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो है बहुत पुराना एक धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे इसमें दूसरा कोई आया नहीं, एक के वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम था, देखो इस धर्म के जो संस्थापक थे वह कौन थे, संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। इस धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। अब महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, नहीं तो महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम था, इनके पिता कौन थे, देखो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन क्या नाम था, शुद्धोधन नहीं, किसके पिता का नाम था, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन नहीं, तो माता भी तो होगी नहीं होगी, तो बिना माता के तो पिता हो नहीं सकता है। आई अगर खाली पिता होगा तो ये महात्मा बुद्ध आएगा आसमान से नहीं कूदेगा, नहीं ना, तो माता तो होगी नहीं, तो देखो जब ये पिता है ये पुत्र है तो माता कौन है, देखो अभी बताते हैं। तीसरा, इनकी माता का जो नाम था वो माया देवी, क्या नाम था, माया देवी, किसके माता का नाम, महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था, माया देवी। अब देखो जब ये महात्मा बुद्ध जो था अपने माँ के पेट में पल रहा था तो इस शुद्धोधन कहा कि चलो, तो कहाँ चलना है जी, कहा है चलते हैं जरा कोई ज्योतिषी है ना उससे पूछने के लिए, तो क्या पूछेंगे, तो अरे पूछेंगे जो हमारा जो बबुआ आ रहा है, बालक जो आ रहा है उसका भविष्य थोड़ा देखिए ना कैसा है। गया किसके पास, किसके पास गया, ज्योतिषी के पास गया, अब ज्योतिषी के पास कौन गया, गया तो शुद्धोधन गया, किस लिए गया, अपने बच्चों के बारे में पूछने के लिए कि वह जब जन्म लेगा तो उसका कैसा जीवन है ना, तो जब ई गया पूछने के लिए ज्योतिषी के पास, तो ज्योतिषी से जब पूछता है तो ज्योतिषी कहा क्या, कहा तीन बात बताया, सबसे पहले बात बताया कि बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, क्या बताया, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, दूसरा बताया उसमें तो खुश हुआ जखने बताया ज्ञानी होगा पराक्रमी होगा, कहा बहुत अच्छा बात है ये तो बहुत खुशी की बात है, जब हमारा लड़का जो होगा ना सो बहुत ज्ञानी होगा और क्या कहता है बहुत मतलब प्रतापी भी न होगा ना, तो कहा बहुत खुश हुआ। और जब वो बहुत खुश हुआ तो कहा दूसरा क्या है, तो कहा दूसरा अब ही बताते हैं, तो कहा दूसरा जो होगा ना क्या होगा, दूसरा राजा भी होगा, तो कहा राजा तो राजा होगा हाँ, और पूरे विश्व को जीत लेगा, कहा तो बहुत खुशी की बात है पूरे विश्व को जीत लेगा, दो को बात हो ना, क्या होगा पूरे विश्व को जीत लेगा राजा हो करके नहीं, पहला बात क्या बताया था, बहुत प्रतापी होगा और ज्ञानी भी होगा नहीं, कहा दोनों तो खुशी, तीसरा बात क्या, तीसरा नहीं बोलेंगे, अरे बोलिए ना, दो को तो बहुत खुशी, कहीं तीसरा इससे भी खुशी हो नहीं बोलेंगे आप कहीं दुखी हो जाइएगा, अरे बोलिए ना जी काहे कर, दो को खुशी है थोड़ी थोड़ी क्या कहता है हमको दुखी वाला बात होगा, तब कहे ठीक है बोलते हैं, तब कहते हैं क्या, तीसरा
कि मोह माया को त्याग देगा। क्या मतलब? मोह माया को त्याग देगा। सुद्धोधन ऐसे कपार पे हाथ दिया, बैठ के थोड़ी देर सोचने लगा। आज क्या जे ई धन दौलत कौन काम के है जी, जब ई मोहे माया त्याग देगा मतलब घर उड़ छोड़ देगा, घरे में नहीं रहेगा, संन्यास हो जाएगा। अब हो गया तो कहा ई धन दौलत केकरा खातिर, एगो तो है ये है, आ ई सब धन दौलत वही ले लेगा तो क्या मतलब छोड़िए चल जाएगा। बेचारा घूर के घर आया, कौन? सुद्धोधन। सुद्धोधन जब ये घर आया घूर करके, कुछ दिनों के बाद महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। हाँ, उसके बाद जब इसका जन्म हुआ, जब इसका जन्म हो गया, तब क्या किया कि कुछ दिनों के बाद, नहीं, कुछ दिनों के बाद जो है इसकी शादी गया पूछने के लिए किससे, मतलब कहा कि आज जब ये जन्म लिया तो ठीक सातवें दिन बाद महात्मा बुद्ध के जन्म के सातवें दिन बाद, ठीक है, इसके जन्म के सातवें दिन पर महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था, छठी होता है देखे, छह दिन बाद ना होता है, वो इसी तरह से छह दिन बाद नहीं, इसमें छठा दिन के बाद सातवां दिन जो है इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हाँ, महात्मा बुद्ध के माता का जो है मृत्यु हो गई ठीक सातवें दिन जो है महात्मा बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई। नहीं, इसके जन्म के कितने दिन बाद इसकी मृत्यु हुई? तो सातवें दिन बाद या फिर एक सप्ताह, नहीं, एक सप्ताह बाद मृत्यु हो गई, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसकी मृत्यु हो गई तो ई तो अभी सातवें दिन का है, नहीं, ये कितने दिन का है? सातवें दिन का है। आज सातवें दिन का है तो ई पप्पा इसको थोड़ी पालेगा, नहीं पालेगा, पालेगा तो मम्मी है, मम्मी ये मर गई तो अब इसको देखेगा कौन? ई बहुते होशियार था सुद्धोधन, बहुते होशियार, इतना होशियार था। एक इसकी जो थी ना बहन थी, समझ नहीं, हाँ, माया देवी की एक बहन थी, नहीं तो ई तो जीजाशालीन हो जाएगा, नहीं तो ई क्या किया सो देखो, ई बहुते होशियारी किया, कहा कि अब इसकी सेवा, इसकी देख रेख कौन करेगा? झट से पहुंच गया कहाँ, अपने ससुराल पहुंचा, और जब वहां पहुंचा झट से इसकी बहन को जो है उठा के ले आया, कहा कि वो बच्चा का चलिए आप ही देखिएगा। कहा ठीक है चलिए, कहे जीजे जी तो है चले जाते हैं, चल गए। और जब चल आई यहाँ, उसका नाम क्या था इसको देखो, सौतेली, सौतेली माँ भी कह सकते हैं, ठीक है, सौतेली माँ। इसका नाम था प्रजापति, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ये क्या की इस सुद्धोधन क्या किया, इसको ले आया किस लिए? इसकी देख रेख के लिए, ठीक है, ताकि बच्चा का पालन पोषण कौन करेगा? तो माया देवी। यहाँ ले आया, एक महीना दो महीना रहा, ये कहे कि अब हम घर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुद्धोधन का है जब चलिए जाएगी तो 5-6 महीना गोबे किया है, फिर ही बच्चा जो है ना कहीं मर उड़ जाएगा, हो गया के ही राजपाठ को देखेगा, है तो कहा ऐसे कुछ सोचते हैं तो क्या सोचेंगे, कुछ सोचना ही पड़ेगा चाहे जो भी सोचे, नहीं ये बहुत सोचा, सोचने समझने के बाद निर्णय लिया क्या कि हम इससे शादी कर लेते, तब तो नहीं जाएगी हमारा यहाँ से, क्या किया झट से इससे शादी कर लिया, इससे कर लिया प्रजापति गौतमी से, इसीलिए जो है इसे सौतेली माँ भी कहा जाता है, ठीक है, या मौसी भी कह सकती है, इसीलिए इसके महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, नहीं, और ऊपर से क्या थी, और मौसी भी न होगी, नहीं तो ये क्या किया सुद्धोधन, इसे शादी कर दो, अब तो घर से यहाँ से नहीं जाएगी,
नहीं, अब तो इसकी सेवा में रहवे करेगी नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम तो माया देवी था, लेकिन इसका लालन पालन किसने किया था? हाँ, इसको इसका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। अब उसके बाद एक जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष का हो गया था, नहीं, जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष का हो गया था, अब तब क्या किया कि अब सुद्धोधन और ये इसको बता भी दिया था कि देखिए ये जब बड़ा हो जाएगा ना, महात्मा बुद्ध जब बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको घर से कहीं मत जाने दीजिएगा। कहा क्यों? अरे इस तरह से बात है, बहुत प्रतापी होगा, बहुत ज्ञानी होगा, पूरे साम्राज्य को जीत लेगा, लेकिन ये वो काम गड़बड़ करेगा, क्या होगा, गिरी त्याग देगा, मोह माया को छोड़ देगा। तो इसलिए क्या करना है, इसको मोहे माया में फंसा के रखना है। तो मोह माया में फंसाने के लिए तो कुछ सोचना ना पड़ेगा, एक गो उपाय है, ई कही कौन कही? प्रजापति गौतमी कहा, एक गो मात्र उपाय है ये है। तो कौन उपाय है? तो अरे देखिए, कोई आदमी विकसित विकास कर रहा है ना, अगर उसको रोकना है ना, या कोई लड़का विकास कर रहा है और उसको यदि रोकना है, समझ रहे हो, तो सबसे एक उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है। और वो जो उपाय है किसका, कौन सा उपाय? रोकने का। भी कोई विकास कर रहा है, कोई तरक्की कर रहा है और रोकना है, तो एक ही उपाय है, क्या है? उसका शादी करो, बस हो गया। जहाँ शादी हुआ समझो विकास उसका रुक गया, है कि नहीं? तो ये क्या किया, ई बताई दी इसको सुद्धोधन को। सुद्धोधन का ये तो आइडिया बहुत बढ़िया, झट से क्या किया, इसको क्या किया, शादी कर दिया। शादी कर दिया तो इसकी पत्नी का जो नाम था, महात्मा बुद्ध के पत्नी का जो नाम था, जब इसका शादी किया तब इसकी पत्नी जो हो गई, पत्नी का क्या नाम, जब इसका शादी हो गया था नहीं, यशोधरा, इसकी शादी किससे हुई, यशोधरा से जो है इसकी शादी कर दी, किससे हुआ, यशोधरा। और जब इसकी शादी महात्मा बुद्ध की शादी किससे हो गई, यशोधरा से। सो कब हुई, तो देखो 16 वर्ष की अवस्था में किसका उम्र 16 वर्ष था, महात्मा बुद्ध की उम्र उस वक्त कितना था, 16 वर्ष। और 16 वर्ष की अवस्था में जो है इसकी शादी कर दी, किससे कर दिया, यशोधरा से। और जब इसकी शादी यशोधरा से कर दिया तब ये क्या किया, सो देखो इसको बता दिया था, कौन ये बता दी, क्या देखिए इसको जो है हम जो शादी किए हैं इतना छोटा उम्र में, काहे किए हैं सो बताए, तो काहे, अरे ये बहुते जो है ना, ये एक दिन घरे त्याग देगा, आ एगो तो लल्ला है ये है हमरा, है कि नहीं, आ इहो सब घरे त्याग देगा तो ये राजपाठ कौन देखेगा, तुमसे बनना है। फिर क्या किया, कहा सब बात जब बता दिया, इसलिए इसको मोह माया में फंसा के रखना। ये क्या रोज करती थी शादी उदी, रोज मतलब करके कर ली थी, ये रोज क्या करती, रोज एगो बढ़िया बढ़िया क्या करती, स्नो पाउडर लगा के और उसके सामने बैठ जाती थी, आ गई। अब जब वो आ गई ताकि उसको मोह माया में फंसा के रखे, है कि नहीं, उसको मोह माया में फंसा के रखे, ये रोज ऐसा ही करते। वो बेचारा महात्मा बुद्ध कहीं इधर उधर जाना छोड़ दिया था, कहता कहाँ जाए जब पत्नी है ये, कहीं नहीं जाए बेचारा, कहीं नहीं जाता। आ जब ही कहीं नहीं जाता था ऐसी मोह माया में, इसका तो कह ही दिया था इसको मोहे माया में फंसा के रखना। एक दिन क्या हुआ सो बता, एक दिन महात्मा बुद्ध के मन में कुछ कुछ आया कि हम हमेशा घरे में बैठल रहते हैं, है कि नहीं, आ घर से कभी बाहर जेबे नहीं करते हैं, आज जो है ना हम जो घर जाएंगे बाहर जाएंगे घूमने के लिए, कहाँ, कपिल वस्तु की शेर में जाएंगे, है कि नहीं? किसको कहा, यशोधरा का मन कहा विचलित हो गया, लगता है अब जो ये है हाथ से निकलिए जाएगा, यह मोह माया जखने घर से निकला ना, समझ लो मोह माया ताग देंगे, हमको ये 18 बेर स्नो पाउडर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, है कि नहीं? फिर क्या किया,
महात्मा बुद्ध क्या किया, कपिल वस्तु की शेर की चलने की तैयारी किया। शुद्धोधन से कहा, वो कहा ठीक है चलो, किस गेट से, इस गेट से नहीं चलना है, उधर वाला गेट से निकलना है कि नहीं, उधर वाला गेट से निकलना है। कहा ठीक है। जब इसका तैयारी किया, एक घोड़सवारी भी रहता था न, घोड़सवारी उसको साथ में ले लिया, ठीक है, उसको जब ले लिया साथ में, तब ही चल दिया कहा कपिल वस्तु की शेर में। जब ही कपिल वस्तु की शेर में निकला, तो सबसे पहले जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में जाते जाते सबसे पहले वह किसको देखा था, तो सबसे पहले वह एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। देखो जब कपिल वस्तु की शेर में निकला, इतना याद रखना है, कपिल वस्तु की शेर में जब निकला था, शेर में जब निकला था, जब यह कपिल वस्तु की शेर में निकला था, तो सबसे पहले क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, क्या देखा था, बूढ़ा। बूढ़ा कैसे लिखता है जी, हमको उतना हिंदी नहीं आता है, बूढ़ा व्यक्ति यही होगा, बूढ़ा व्यक्ति हो गया, देखो बूढ़ा व्यक्ति हो गया नहीं, है कि नहीं। देखो एक सबसे पहले क्या देखा, नहीं क्या देखा था, बूढ़ा व्यक्ति देखा। तू रथवाले से पूछता है महात्मा बुद्ध, वो जो है ना, वो झुक के ऐसे करके झुक के काहे चल रहा है, किसको पूछा, वो रथ वाले घोड़सवारी वाले से, वो झुक के काहे चल रहा है। देखो तो वो बोला कि ये जो है ना, अब जो है क्या, तो अब जो है ना, इसको जो है ना, लास्ट टाइम आ चुका है, यानी मरने का समय आ गया है, तो आदमी मर भी जाता है, तो कहा मरता नहीं है, कहा हमसे पापा जो है ना, पिताजी ना, हमसे ये बात छुपा के रखे थे, हमको बताएबे नहीं किया कि जो आदमी जन्म लेता है वो मरबो करता है, तब तो हम भी ना एक दिन मरेंगे। महात्मा बुद्ध कहे ये बात हमसे छुपा के रखे काहे, हम जाएंगे घर तो पिताजी से पूछेंगे कि हमसे काहे छुपाए। कहा क्या तोरो है, नहीं ठीक है, तब कोई बात नहीं, हम समझे हैं, तोरा होगा 1857 क्रांति होगा ना, ठीक है उसको बढ़िया समझ लें, चलें टैंक तो तोरा चलने नहीं हो लाओगे तो चलेगा जी, हमको याद ही रहता है, नहीं हमको याद रहता है, उनसे इतने दिन पढ़े लिए भले लगभग 15 बरस से पढ़ाए थे, अब याद नहीं होते, अभी ऐसा भी हुआ है क्या, सब विषय याद हो गई। तो वो बूढ़ा व्यक्ति अब एना जाए थे, देखो कथा जगती जाए थी किताब जेना अभी बोलते हैं वैसे ही लिखल है, तो ये क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, आ जब वो बूढ़ा व्यक्ति मिला तो उससे पूछ लिया, और उससे पूछने के बाद फिर कहा अच्छा ठीक है आगे चलिए, जब वो आगे चलता है तो एक और मिलता है, एक बीमार व्यक्ति मिलता है, कौन मिलता है, हाँ बीमार कैसे लिखाता है, इधर से कि इधर से, इधर से, बीमार व्यक्ति मिला, देखो बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति मिला नहीं, एक कौन कौन मिला से देखो, जब कपिल वस्तु की शेर में निकला तो सबसे पहले उसने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति, बीमार गलती लिखाई दिए हो तो, बीमार इधर से होता है, एक बीमार व्यक्ति नहीं, अभी देखो तो जब बीमार व्यक्ति को देखा तो महात्मा बुद्ध आगे चले, आगे चले तो पूछा उसको क्या है, तो अरे जानते नहीं है, जब व्यक्ति बूढ़ होता है, बूढ़ा होता है ना, जब उसकी अंतिम अवस्था आने लगता है तो उसको 10-18 रंग का जो है रोग बीमारी धर लेता है कि नहीं, उसको 100 रोग धर लेता है, कभी दांत टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी जार लगता है, तो कभी बुखार लगता है, कभी कुछ होने लगता है कि नहीं, तो इस प्रकार से जो है वह बीमार हो गया है, उसको भगवान ऊपर जाने का जो है रास्ता क्लियर हो रहा है कि अब तुम ऊपर जाओगे, इसलिए ये बीमार हो गया है, कभी ऊपर से सांस लेता है, कभी नॉर्मल रहता है, कभी कुछ होता है इसको, कभी कुछ, इसी तरह से यह बीमार पड़ा हुआ, यानी कि इसका अंतिम समय अब आ गया है, कहाँ ऊपर जाने का, कहा ये भी बात जो है ना
हमसे पिताजी छुपा के रखे थे। दूगो बात हम वहाँ जाएंगे तो पूछेंगे पिताजी से, दूगो बात काहे छुपा के हमसे रखे हैं। आप कहे ठीक है, आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़े तो तीसरा व्यक्ति, तीसरा जो देखते हैं, एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखे, दूसरा बीमार व्यक्ति देखे, और तीसरा जो है एक सब देखा। सब मतलब लाश को देखा। क्या देखा? सब को देखा, ठीक है। सब मतलब लाश को देखा। कहा किसे? उसी घोड़सवारी वाले से, देखो जरा ऊ हाँ भीड़ का है, उसको का है उठा के ले जा रहा है सब मिल। कहा नहीं जानते हैं ना? अरे नहीं बताए, उसको ऊपर बुलावा आ गया इसलिए वो चल गया ऊपर। हाँ सब ऊपरे जा रहा है। नहीं नहीं सब थोड़ी जा रहा है, जेकरा कन्हा पर लेके जा रहा है ना वही ऊपर गया है। सब कैसे कहे जाए? तो कहा ई भी बात छुपा के रखे थे पिताजी, हम तीनों बात जाके पूछेंगे कि आप हमसे ये बात काहे छुपाए, है ना। आ जब यह चला, कहा ठीक है अब आगे बढ़िए। आगे जब गया तब एक और देखता है, वो देखता है सन्यासी। क्या देखता है? सन्यासी को। वो क्या किया? वो जो था ना पलथी उल्थी मार के, है कि नहीं, एकदम पलथी उल्थी मार के जो है बैठे हुए था, बैठे हुए था एकदम ऐसे करके, और तपस्या आंख बंद करके ऐसे तपस्या कर रहा था। उसको क्या हुआ है? वो पीपर के नीचे क्या कर रहा है अकेले बैठ के? बारिश भी बढ़ रही, उसको घर उड़ नहीं है क्या? नहीं महाराज, उसका घर भी है, उसका सब चीज है। उस सब मोह माया को त्याग करके और भगवान के शरण में, वो भी भगवान के पास चला। नहीं वो जो है ना उसके उनसे बात उत कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है कि हमें भी जो है आप ले चलिए। कहा ये भी बात हमसे छुपाए थे, ये चारों बात हम जाएंगे तो पूछेंगे। क्या हुआ? हो गया।